बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मेरा नाम है तलहा और आप सभी देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल तलहा रिव्यू। दोस्तों यार आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा ओप्पो के हवाले से। जैसा कि आपको पता है कि ओप्पो ने अपनी रेनो सीरीज मुतारफ कराई है इंडिया में, पाकिस्तान में इस वक्त तक वो लॉन्च नहीं किए गए, लेकिन हाल फिलहाल में ये लॉन्च कर दिए जाएंगे क्योंकि इनके जो ट्रेलर हैं टीजर वगैरह वो टीवी पर के अलावा इंटरनेट पर अगर आप अपना यूट्यूब ओपन करें तो वहाँ पर भी आपको ओप्पो रेनो 2 का जो है टीजर या ट्रेलर देखने को मिलेगा। लेकिन मैं जो आपको बताने वाला हूँ वो है ओप्पो रेनो एस। जी हाँ दोस्तों, अभी रेनो 2 नहीं लॉन्च हुआ लेकिन जो ओप्पो है उन्होंने रेनो एस भी मुतारफ करा दिया है। मैं आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा इस मोबाइल फोन के फुल स्पेसिफिकेशन, प्राइस, हर चीज़ बताऊंगा जो कि कन्फर्म है। मैं कुछ झूठ या फेक नहीं आपको बताऊंगा। जी हाँ दोस्तों, जब ये पाकिस्तान में लॉन्च हो चुके होंगे तो उस वक्त अगर आप मेरी वीडियो देखते हैं इंशाल्लाह ये हर चीज़ कन्फर्म होगी, कोई झूठ मूठ नहीं होगा। यार उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपको विलेज लोग पसंद है, मतलब कि आप गांव की चीज़ें देखना चाहते हैं, गांव का माहौल देखना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में एक चैनल का लिंक है जहीरसन ब्लॉग्स, आप उसको विजिट करें और सब्सक्राइब कर लें, वो बहुत अच्छे ब्लॉग बनाता है। जी हाँ दोस्तों, तो वीडियो को डेटा शुरू करते हैं। तो उससे पहले अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से सब्सक्राइब करो, बेल आइकन प्रेस करो, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मैं शुरू में ही आपको ये चीज़ बता दूँ, उसका डिज़ाइन जो है वो तकरीबन ओप्पो रेनो 2 की तरह है। जी हाँ दोस्तों, मुकम्मल डिज़ाइन ओप्पो रेनो 2 की तरह है। उसके अलावा इसकी डिस्प्ले की अगर बात करें तो 6.5 इसका डिस्प्ले है, जिसके डिस्प्ले रेजोल्यूशन 1080p में प्रोवाइड करते हैं। उसके अलावा अगर इसके एंड्रॉयड वर्जन की बात की जाए तो एंड्रॉयड 9.5 है जो कि एंड्रॉयड का लेटेस्ट वर्जन है। जी हाँ दोस्तों, रैम और रोम की बात की जाए, मतलब कि स्टोरेज की बात की जाए तो 8GB 128GB है। इसके अलावा अगर इसके कैमराज की बात की जाए तो यार मेन चीज़ होती है कैमराज, तो कैमराज की मैं आपको बता देता हूँ हर चीज़ एक एक चीज़ करके बताऊँगा। मेन कैमरा जो है वह 64 मेगापिक्सल का, 64 मेगापिक्सल का, उसके अलावा एक 13 मेगापिक्सल का कैमरा है, एक 8 मेगापिक्सल का और एक 2 मेगापिक्सल का कैमरा है। क्वाड कैमरा बैक पे सेटअप है और फ्रंट की अगर बात करें तो पॉपअप कैमरा दिया हुआ है। जी हाँ दोस्तों, जो कि रेनो 2 में भी आपको देखने को मिलता है। फ्रंट पे जो है 20 मेगापिक्सल का कैमरा आपको देखने को मिलेगा। तो मैं रेनो 2 पे ऑफिशियली वीडियो बना चुका हूँ, वो एंड स्क्रीन पे ऐड कर दूंगा, आप देख सकते हैं। तो कैमराज की बात होगी, अभी चलते हैं इसके जो है चिपसेट की तरफ। चिपसेट की अगर बात की जाए, जैसा कि आपको पता है आजकल स्नैपड्रैगन के चिपसेट बहुत ही मशहूर है, मतलब कि बड़ा चल रहा है स्नैपड्रैगन, तो इसमें भी क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 855 लगा हुआ है। जी हाँ दोस्तों, 855। अगर इसके जीपीयू की बात करें तो एड्रेनो 640 लगा हुआ है। जी हाँ दोस्तों, एड्रेनो 640 मैं आपको इसमें भी बता देता हूँ दोनों भी, क्योंकि अगर किसी बंदे को नहीं समझ लगी तो याद मैं आपको उर्दू में बता देता हूँ, आपको आसानी हो। तो चिपसेट भी मैंने बता दिया, जीपीयू भी मैंने बता दिया। अभी बात करते हैं इसके जो है बैटरी टाइमिंग की। बैटरी टाइमिंग जो है इसकी वो नॉर्मली मैं आपको बता दूँ, या मैं ये बात बहुत ही वीडियो में बता चुका हूँ कि हर मोबाइल फोन की बैटरी 4000 mAh की होती है। हर ऐसा मोबाइल फोन वीवो है जो कि 5000 mAh की बैटरी जो प्रोवाइड करता है, नहीं तो नॉर्मली हर मोबाइल फोन में 4000 mAh की बैटरी रहती है, लेकिन 4000 mAh की कम नहीं होती, इतनी अच्छी कैपेसिटी होती है इन बैटरीज की, मतलब कि नॉर्मल बैटरी नहीं लगाई होती दोनों पर। तो ये मैं उम्मीद करूँगा मैंने आपको सारी स्पेसिफिकेशन बता दी होंगी, अगर कोई रह गई आप मुझे कमेंट कर दें कि भैया आपने ये चीज़ गलत बताई है या आपने ये बताई नहीं, तो हम अगली मरतबा इसको सुधारने की कोशिश करेंगे। तो यार मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद। थोड़ा टाइम दुनिया दे मुंह बंद करने आया, ओ जेड़ा माड़ा बोले मेरे बारे मर जाए, जेड़ा माड़ा सोचे मेरे बारे मर जाए, जेड़ा माड़ा बोले मेरे बारे मर जाए।